चैप्टर का क्या नाम है सर सर चैप्टर का नाम है हमारा क्रेडिट पॉलिसी या फिर एक और नाम है इसका रिसीवेबल मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा चैप्टर लास्ट ईयर इसमें से प्रोग्राम में क्वेश्चंस पूछा गया था ऑनर्स में नहीं पूछा गया था इस चैप्टर से देखिए जो हमारा यूनिट नंबर फाइव है यूनिट नंबर फाइव इसके अंदर अगर यूनिट नंबर फाइव की बात करें तो चैप्टर है एक तो वर्किंग कैपिटल दूसरा हमारा ये है रिसीवेबल मैनेजमेंट तीसरे चैप्टर की बात करें तो कैश मैनेजमेंट या कैश बजट कह लो चौथे की बात करें इन्वेंट्री तो सर इसमें से पंद्रह नंबर का ये पूरा यूनिट है तो इसमें से कोई भी एक चैप्टर आ सकता है कोई भी एक और ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है इसका फिर इसका फिर इसका ठीक है ना तो लास्ट ईयर हुआ क्या था ऑनर्स में तो वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस आ गए थे लेकिन प्रोग्राम में रिसीवेबल मैनेजमेंट के आ गए थे तो ये ऊपर नीचे होता रहता है ठीक है तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या रिसीवेबल मैनेजमेंट होता क्या है रिसीवेबल मैनेजमेंट और रिसीवेबल का मतलब क्या होता है सर दैट इज डेटर तो कई बार मान लो जैसे एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड <laughs> इस कंपनी का करंटली करंटली जो सेल्स है वो मान लेते हैं दस हजार यूनिट है तो अगर कंपनी का सेल्स हमारा दस हजार यूनिट है तो कंपनी ना प्लान कर रहा है किस चीज का प्लान कर रहा है कंपनी कि हम इसको और कैसे ना कैसे करके इंक्रीज कर दें अपने सेल्स को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप खूब एडवर्टीजमेंट करिए सेल्स बढ़ना पक्का है आपने प्रोडक्ट का रेट सस्ता कर दीजिए सेल्स बढ़ जाएगा ऑफर दे दीजिए सेल्स बढ़ जाएगा और भी बहुत सारे कारण होते हैं उसमें से एक कारण जिसके लिए ये चैप्टर पढ़ाया जाता है दैट इज उधार का टाइम बढ़ा दीजिए सपोज ये सेल्स जब था ना तो मैं लोगों को बोलता था भैया तीस दिन से ज़्यादा का उधार मैं नहीं दूंगा तो पर्सन जो सामान खरीदता था वो तीस दिन के अकॉर्डिंग खरीदता था लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम अगर इसे साठ दिन का उधार दे दें और ये ना अंदाजे पे रहता है पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही अंदाजा है ये कहता है क्यों ना हम साठ दिनों के लिए उधार दे दें तो हमारा सेल्स शायद बढ़ जाएगा सर कितना बढ़ जाएगा सेल्स इसने अंदाजा लगाया कि जो पहले दस हजार यूनिट हुआ करता था वो कितना हो जाएगा पंद्रह हजार आपको तो ये प्रपोजल अच्छा लग रहा होगा लेकिन अब हम एक दस हजार यूनिट के ऊपर देखेंगे कि कितना पैसा बच रहा है और एक पंद्रह हजार यूनिट बेचेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कितना पैसा बच रहा है अगर हमारा दस हजार यूनिट पे मान लो दो हजार रुपए बच रहे हैं अगर मैं बात करूं दस हजार यूनिट पे मान लो अगर दो हजार बच रहे हैं और हजार यूनिट बेचने पे अगर मुझे इक्कीस सौ रुपए बच रहे हैं तो मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा यानी अगर हमारा बेनिफिट मिलता है उधार टाइम देने से इवन दो वन सिंगल रुपी का भी मिले तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा लेकिन अगर यहां पे ये 1900 हो जाए तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा बोलूंगा इससे बढ़िया तो यही है अब यहां सवाल उठता है कि सर अगर सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट घटेगा ही क्यों क्वेश्चन ये रेज होता है प्रॉफिट घटने का क्या क्या रीजन होता है नंबर आप जब टाइम बढ़ाओगे ना तो आपका डेट्स होना चालू हो जाएगा अब ज्यादा दिन का किसी को उधार देके देखना वो पैसे रिकवर होने मुश्किल हो जाते हैं तो डेट्स होना चालू हो जाएगा तो डेट्स जैसे होगा आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा दूसरा इसके अंदर हम ये मानते हैं कि हमारा कॉस्ट यानी जब उधार देंगे तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं फंसा रहेगा और वो पैसा अगर मान लेते हैं लोन लेके किया हो हो हमने उस उस माल को बनाया हो, तो उस लोन का हमें इंटरेस्ट भी पेड करना पड़ेगा है कि नहीं और जब सेल्स बढ़ेगा तो हमें अपने साथ स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ेगा सेल्स बढ़ गया तो स्टाफ बढ़ाएंगे या रिकवरी एजेंट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हर किसी को उधार देंगे तो फोन करके पूछना तो पड़ेगा ना भैया कब पैसे लौटाओगे तो रिकवरी एजेंट को भी हमें रखना पड़ेगा रिकवरी एजेंट को भी रखना पड़ेगा तो अगर सेल्स बढ़ेगा तो हमारे साथ सिर्फ इनकम नहीं आएगा हमारे साथ कुछ खर्चों को लेके आएगा हम यही चेक करेंगे कि भैया ये खर्चे बढ़ने के बाद और पहले वाले खर्चे के साथ सब कुछ माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट अगर ज्यादा बनता है तो हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे अदरवाइज हम क्या कर देंगे रिजेक्ट चैप्टर का नाम ही है क्रेडिट पॉलिसी यानी आपका उधार देने का पॉलिसी इसमें बदलेगा या फिर रिसीवेबल मैनेजमेंट आप जो उधार दे रहे हो उसको मैनेज कैसे करो ज्यादा दिन का उधार दो या फिर कम दिन का उधार दो तो मेरे हिसाब से आपको ये सिंपल सिंपल बातें समझ में आई होगी कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर बना क्यों है बहुत सिंपल सी बात है समझ में आई बात आपको क्योंकि मैनेजमेंट हर चीज को देखता है कहीं पता चला भाई हमारी सेल्स बढ़ रहे हैं हम खुश हो रहे हैं साथ के साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं पहले कमा रहे थे हम दो अब हम लॉस में पहुंच गए हैं ऐसा सेल्स बढ़ा के क्या फायदा आपका ओवरऑल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है profit, profit है बिजनेस का कि टू मेक प्रॉफिट प्रॉफिट हमें अर्न करना समझे अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें क्या करना होगा एक इस लेवल का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा इनकम एक इस लेवल का इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा सर इनकम स्टेटमेंट क्या होता है सर सिंपल सी बात है आप सेल्स में से सारे के सारे क्या माइनस कर देंगे एक्सपेंस दैट इज रिजल्ट बिकम प्रॉफिट यानी इस लेवल पे भी चेक करना पड़ेगा और इस लेवल पे भी चेक करना पड़ेगा जिस लेवल पे ज्यादा मोर प्रॉफिट आएगा हम उसी लेवल को बोलेंगे बेस्ट है और ये एक्सेप्टेबल है एग्जामिनर सिर्फ एक आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएगा बोलेगा चल ठीक है साठ दिन में अगर नहीं हुआ तो चल तू नब्बे दिन में करके दिखा चल तू 120 दिन में करके दिखा 90 दिन में हम सेल डबल कर देते हैं 120 में सेल ट्रिपल कर देते हैं तब कहीं ना कहीं तो हमें बेनिफिट होगा तो हमें हर स्टेज इस पे कैलकुलेट करके उसे बताना पड़ेगा अब सर ये होगा कैसे क्या फॉर्मेट होगा एक बार फॉर्मेट देखते हैं अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट बनता है बेसिकली सिंपल सी बात करें तो अगर एक प्लान है तो एक कॉलम दो प्लान है तो दो कॉलम बना लेंगे यहां पे पर्टिकुलर और यहां पे अमाउंट ठीक है और इस साइड रखेंगे हम क्रेडिट पॉलिसी ठीक है ना आ जाइए अब यहां पे हम सबसे पहले रखेंगे सेल्स और ऊपर ना एक कॉलम और क्रिएट कर सकते हो या ऊपर ही लिख लेंगे कि आपका पॉलिसी कितने दिन का है मे भी हो सकता है तीस दिन हो सकता है साठ दिन हो सकता है दो महीने कुछ भी हो सकता है ना तो कितने दिन का पॉलिसी है ऊपर रखेंगे यहां पे हम सेल्स लिख लेंगे अब सेल्स लिखने के बाद यहां से माइनस हम करेंगे एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक माइनस कर देंगे सर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अगर हम इसको यहां से माइनस करते हैं तो हमें जो मिलता है ना वो मिलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी वो प्रॉफिट जिसमें से टैक्स और इंटरेस्ट की अभी कोई बात ही नहीं हुई है हम वो माइनस कर देंगे अब हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि ये जो हमारा प्रॉफिट आया है अभी कुछ खर्चे माइनस करने बाकी हैं जैसे सर आपका इंटरेस्ट का खर्चा सर नंबर दो आपका बेड डेट्स का खर्चा है ना नंबर तीन एनी अदर रिकवरी एक्सपेंस जो क्वेश्चंस कह दे डिपेंड तो इसमें से जब माइनस कर देंगे ये तीनों खर्चे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा जिसमें से ये दोनों बहुत रेयर है कि आपको मिले ये तो हंड्रेड परसेंट आपको एग्जामिनर देगा ही देगा ये खर्चा तो सर इंटरेस्ट का खर्चा बेसिकली होता क्या है ये समझते हैं इंटरेस्ट का खर्चा मतलब मैनेजमेंट क्या सोचता है कि अगर जैसे कि मैंने अगर किसी को उधार दिया है अगर किसी को मैंने उधार सामान बेचा है यानी क्रेडिट पे सपोज करो पचास हजार रुपए का सामान क्रेडिट पे बेचा है तो ये पैसा पचास हजार मेरा एक महीने के लिए ब्लॉक हो जाना है प्रॉफिट के साथ नहीं कॉस्ट की बात कर रहे पचास हजार रुपए कीमत का सामान साठ में बेचा तो बेचा तो पचास का तो रॉ मटेरियल लेबर सब कुछ मिला के होगा तो ये पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा अगर इस पैसे को मैं बैंक में एफडी करवा देता या कहीं और रख देता तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलता हमें और जो ये इंटरेस्ट हमें मिलता वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि तीस दिनों के लिए पैसा तो हमने बैंक में रखा नहीं है तो ये भी कही न कहीं ना कहीं लॉस है दस परसेंट का, तो का नुकसान है तो दैट इज आप कैलकुलेट करोगे कि किसके ऊपर सर पांच हजार के ऊपर और आप बोलोगे सर पांच हजार का आपका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है और ये जो है आपका दैट इज ये है हमारा टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट एक लगेगा और एक वेरिएबल प्रॉफिट थोड़ी ना लगता है आपके जेब से तो टोटल कॉस्ट तो इसका मतलब अब हमारा एक मुद्दा होगा टोटल कॉस्ट के ऊपर हमारा डेटर में कितना पैसा फंसा है तो डेटर में कितना पैसा फंसा है तो इन्वेस्टमेंट इन डेटर इन्वेस्टमेंट इन डेटर सर डेटर में कितना पैसा फंसा है तो इसका फॉर्मूला होगा टीसी टीसी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट ठीक है टोटल कॉस्ट इन टू में जितने टाइम के लिए आपने उधार दिया है सपोज करो दो महीने तीन महीने इन टू में मंथ या फिर डे वटवर हो और इसको डिवाइड करोगे वही अगर मंथ है तो 12 से डिवाइड करना डे है तो तीन पैंसठ जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो दैट्स रिजल्ट बिकम कि आपका कितना पैसा डेटर में फंस गया है अब आपको बोला गया इंटरेस्ट पांच परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट अब यहां पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे जो डेटर में पैसा फंसा हुआ है इनटू में रेट अपॉन में सौ ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट बेड डेट्स या तो अमाउंट के टर्म्स में देगा या परसेंटेज में होता है डेट्स तो परसेंटेज हमेशा डेट्स किसके ऊपर देगा सेल्स के ऊपर आपने देखा होगा तो, तो यहां पर डेट्स को भी लिख लेंगे डेट्स ये लोग डेट्स पे लिख लिया अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि यहां प्रॉफिट क्या होगा मैं साइड में ना कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए इसको ए पॉइंट नाम दे दिया इसको बी पॉइंट नाम दे दिया इसको सी पॉइंट नाम दे दिया तो बताइए प्रॉफिट क्या होगा प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ए हमारा प्रॉफिट है उसमें से क्या माइनस कर देंगे बी और सी दैट इज हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट आ गया क्या इस डेटर को भी माइनस करना है नहीं ये तो सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है इसको इस स्टेटमेंट से बाहर वर्किंग नोट में भी कर सकते हो और स्टेटमेंट के अंदर कर दो तो ज्यादा बेटर है अब ये प्रॉफिट आ गया इस लेवल पे ऐसे ही आपको मैंने बोला प्रपोजल लेवल आपका 60 60 डेज डेज है तो सेम 60 का आपको ऐसे ही क्या निकालना पड़ेगा एक स्टेटमेंट जैसे ही आप 60 डेज का भी स्टेटमेंट निकाल दोगे दोनों को कंपेयर कर लोगे प्रॉफिट को कि भाई इसका प्रॉफिट ज्यादा है या उसका प्रॉफिट जिसका प्रॉफिट ज्यादा आपको उसमें कमेंट करना होगा कि हमें प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड दो ही बातें बतानी है इसमें क्लियर है आपको हर किताब के अंदर इसका सॉल्यूशन करने का तरीका अलग होता है लेकिन कंक्लूजन सबका सेम ही आएगा कुछ कहते हैं कि हमारे कॉस्ट बेसिस पे देखेंगे कुछ कहते हैं इंक्रीमेंटल बेसिस पे देखेंगे तो हम पहले ये वाला पार्ट करेंगे फिर सारा धीरे धीरे पार्ट कवर कर लेंगे पहले यहां तक किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बताइए यहां तक हरेक स्टूडेंट को क्लियर है कि हम क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं रियल लाइफ में बहुत यूज होता है ये यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितनी चीजें भी सीखोगे ना सारी चीजें वैसे तो जितना पढ़ते हैं रियल लाइफ में यूज होता है लेकिन ये प्रैक्टिकली हो रहा होता है बड़े दुकान में भी छोटे दुकान में भी हर जगह क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को तुषार का क्लियर 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 ठीक है गरिमा क्लियर चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर है ना ताकि हमें पता चल जाए क्वेश्चन आपके सामने है एक बार मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूं और फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे भाई इसमें से थ्योरी भी आता है एग्जाम में थ्योरी तो जैसे हमने पिछली बार करा था तो समझ में जल्दी आ गया था कि क्या है व्हाट ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे इसको बाद में करेंगे तो समझ में एग्जैक्ट आ जाएगा कि क्या है चलिए सभी बच्चों को क्लियर है कहता है अ कंपनी हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट फॉर ईयर एक कंपनी प्रोजेक्ट फॉलो कर रहा है कहता है सर सेल्स इतने यूनिट है और सेलिंग प्राइस फोर्टी है वेरिएबल कॉस्ट ट्वेंटी फाइव और टोटल कॉस्ट पर यूनिट थर्टी फाइव यानी वेरिएबल और टोटल के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा फिक्स कॉस्ट ठीक है कहता है क्रेडिट हम अभी फिलहाल एक महीने का समय दे रहे हैं कहता है द कंपनी परपोज टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड जो एक महीने वाला समय है ना इसको अलाउड कर दो कस्टमर को एक महीने की जगह पे आप उसे कितने महीने कर दो, दो महीने टू मंथ कर दो इट इज कहता है इट इज सजेस्टेड इवन सजेस्टेड करता है दट चेंज इन दॉलिसी अब विल बी इनक्रीज द सेल्स हमारा आठ प्रतिशत बढ़ जाएगा यानी जो ये इक्कीस हजार यूनिट है ना ये आठ परसेंट से बढ़ जाएगा तो इक्कीस हजार यूनिट नहीं बिकेगा जब हम बढ़ाएंगे टाइम तो इक्कीस तो हजार के आठ परसेंट यानी अब हो जाएगा यूनिट बाईस हजार छ सौ अस्सी सर कैसे निकाला मैंने करा इक्कीस हजार इसका आठ परसेंट प्लस कर दिया मैंने किसमें सर इक्कीस हजार तो पहले से ही था इसमें आठ परसेंट बढ़ जाएगा दैट इज इतना सेल होने लग जाएगा कब जब हम दो महीने कर देंगे तो मात्र आठ परसेंट का सेल बढ़ रहा है विल इंक्रीज बाय एट परसेंट द कंपनी डिजायर रिटर्न लेकिन कंपनी का एक तरफ इंटरेस्ट का भी नुकसान होगा दैट इज कॉल पच्चीस ठीक है इन्वेस्टमेंट You are required to examine आपको रिक्वायर्ड करता है कि आप बताइए परपोज मतलब फ्यूचर वाला परपोज क्रेडिट पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंट और नॉट हमें ये अपनाना चाहिए या फिर नहीं अपनाना चाहिए तरीका एक ही है दोनों के लिए हम क्या निकाल लें प्रॉफिट निकाल लें है ना और तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं आया ऐसे ही तो बता पाएंगे हम तो हम फटाफट से दो कॉलम बना लेते हैं ये हो गया हमारा फ्यूचर का और ये हो गया एग्जिस्टिंग यानी प्रेजेंट का चलिए ये हम लेके चलते हैं वन मंथ और ये टू मंथ ठीक है तो सर सेल्स सेल्स वन मंथ में तो होगा इक्कीस हजार यूनिट और टू मंथ में होगा कितना बाईस छ सौ अस्सी और ये दोनों मल्टीप्लाई किससे होने वाला है सर सेल्स चालीस रुपए का है तो इक्कीस हजार इंटू में चालीस यहां सेल्स होगा आठ लाख चालीस हजार बाईस छे सौ अस्सी इंटू में चालीस नौ बताइए कोई दिक्कत माइनस दो चीजें करनी एक तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट उसके बाद माइनस क्या कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट कितना वही सेम इक्कीस हजार 21, और बाइस सौ अस्सी पे वेरिएबल कॉस्ट सवाल में दे रखा है पच्चीस तो इक्कीस हजार इंटू पच्चीस इज पांच लाख पच्चीस हजार और बाईस सौ अस्सी पे फिर पच्चीस 567. नाउ फिक्स कॉस्ट की अगर बात करूं तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट अगर पैंतीस है क्योंकि आपका क्या होता है टीसी इज इक्वल टू वी सी प्लस में एफ सी आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा ये इक्वेशन अगर आपको VC पता है और TC पता है तो FC निकल जाएगा तो यहां ध्यान से देखो तो FC कितना आ रहा है दस रुपए और दस रुपए इक्कीस हजार यूनिट पे देखा जाए तो ये तो इक्कीस पे ही निकलेगा इन टू में दस यानी दो लाख दस हजार और एफ सी आपको पता है कभी ना तो बढ़ता है ना ही घटता है तो इसके लिए हम फिक्स रखेंगे समझ में आई बात आपको अब आगे देखते हैं सर अब यहां पे आ जाएगा हमारा ई बी आई टी ई बी आई टी तो आठ चालीस माइनस पांच पच्चीस माइनस दो लाख दस हजार यानी एक लाख पांच हजार यहाँ पर नौ लाख सत्ताईस सॉरी नाइन जीरो सेवन टू डबल जीरो फाइव सिक्सटी सेवन दो लाख दस हजार वन थर्टी ठीक है आगे चलते हैं सर अब हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट ठीक है दो दो का इन्वेस्टमेंट निकालना है इसका भी और इसका भी तो टीसी क्या होगा इन दोनों का टोटल हो जाएगा TC। तो पहले का TC अगर निकालू तो पांच लाख पच्चीस हजार प्लस दो लाख दस हजार यानी सात लाख पैंतीस हजार एक का TC ये आया दूसरे का TC नंबर वन और दूसरे का भी TC यहीं लिख लेता हूं इन्वेस्टमेंट सात लाख सतहत्तर हजार मेरे हिसाब से आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हो तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको पता चल गया होगा नहीं तो मैं निकाल देता हूँ एक करके दिखा दूंगा आगे के क्लासेस के आपको पता चल जाएगा दो दस दैट मीन्स पाँच लाख पच्चीस हजार प्लस दो लाख दस हजार सात पैंतीस ठीक है ये पहले ही कर दिया मैंने लेकिन मैं बता रहा हूँ टोटल कैसे आया क्लियर है अब इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मैंने बताया भैया मंथ दो महीने हैं डिवाइडेड बाय बारह यहाँ पे भी दो महीने और डिवाइडेड बाय बारह तो सात पैंतीस डिवाइडेड बाय बारह इंटू में टू यहाँ पे आएगा एक लाख बाईस हजार पांच सौ ट्वेल्व इंटू में टू ये वन ट्वेंटी नाइन फाइव हंड्रेड अब इंटरेस्ट कितना लॉस होगा क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट क्या ओके गलत हो गया सर गलत यहां पे वन आएगा ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्योंकि एक महीने का है ये वाला प्लान ये वाला एक महीने का तो एक आएगा इकसठ दो सौ पचास ये आ जाएगा हमारा इकसठ दो सौ पचास सर इकसठ कितना होता है सिक्सटी वन टू फाइव जीरो अब इंटरेस्ट कितने परसेंट का नुकसान कह रहा है पच्चीस परसेंट तो इसका पच्चीस परसेंट निकालेंगे बत्तीस हजार तीन सौ पिछहत्तर थर्टी टू थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसको मान लेते हैं ए इसको मान लेते हैं बी दैट इज ए माइनस में बी तो पहले लेवल का प्रॉफिट एक पांच माइनस में पंद्रह तीन सौ बारह यह आ गया एट नाइन सिक्स डबल एट दूसरे का वन थ्री जीरो टू डबल जीरो माइनस बत्तीस तीन बत्तीस पचहत्तर ये नाइन्टी सेवन एट टू फाइव तो आप बताइए कमेंट में क्या हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बताइए परपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो यहां पे लिखेंगे सिंपल है एडवाइज वेदर द क्रेडिट इंप्लीमेंट कंपनी शुड इंप्लीमेंट पोज पॉलिसी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय सर प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा एट नाइन सिक्स डबल एट माइनस नाइन सेवन एट टू फाइव माइनस कर दीजिए बता दीजिए इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए ताकि एग्जामिनर को लिख पाए एट वन थ्री सेवन हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा इसलिए हर बच्चे को क्लियर हो गया ये सवाल किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो पूछ सकते हो